बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ आज का जो डॉलर का रियाल का रेट है जी, मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से और आज का जो एक्सचेंज रेट ओपन मार्केट का रेट खासकर इसके ऊपर नजरें हैं अभी, क्योंकि ओपन मार्केट रोज़ बरोज तेज़ी आ रही है ओपन मार्केट में। इससे आपको अपडेट कर दूंगा। तमाम परदेसी भाइयों को मैं ये वाजह करता चलूँ, रात मैंने एक वीडियो लगाई जिसमें मैंने ये कैलकुलेट करके आपको बताया था कि अगर कोई मेरा परदेसी भाई 10,000 रियाल के अराउंड में रियाल इस वक्त सेव करता है या आने वाले दिनों में सेव करता है, जैसे कि सैलरी मिलती है तो आप अगर खर्चे के तौर पर जितना पाकिस्तान आपको घर में चाहिए वहाँ भेज देते हैं, बाकी आप यहाँ पर अपने अकाउंट में सेव कर लेते हैं या उनको दरहम में कन्वर्ट करवा लेते हैं, तो भाई लाखों का फ़ायदा होगा आने वाले दिनों में। अच्छा, बहरहाल ओपन मार्केट का रेट आपको दिखा रहा हूँ मैं। एक चीज़ काबिले गौर है, ये वैसे HBL की जगह जगह हर शहर में भी ब्रांचें बन रही हैं। ये मेरा ख्याल है कि कोटली बोथ ऐसे लिखा हुआ है। ये अभी मैं पाकिस्तान में ये इलाका नहीं जानता, जो भाई जानते होंगे वो बाखू भी जानते होंगे, वहाँ पर भी इनकी ब्रांच ओपन हो चुकी है। ये 73.60, कल कितना रेट था 73.50, आज कितना है 73.60, 10 पैसे का मजीद इजाफा हो गया इसमें। ये रियाल का रेट है अगर आप एक्सचेंज करवाएंगे। हाँ, अगर आप इनसे लेना चाह रहे हैं फिर ये 74 रुपये 10 पैसे में आपको देंगे। अगर दरहम की बात करें, दरहम के ऊपर नज़र करें कि 75 रुपये 30 पैसे रेट हो चुका है भाई दरहम का जी। और अगर आप लेना चाह रहे हैं तो 75 रुपये 80 पैसे। तो और यहाँ सऊदीया में अगर आपको कोई बंदा बोल रहा है दरहम में कन्वर्ट करवाने के लिए रियाल, तो उससे दरहम ले लें, कन्वर्ट करवा लें। पाकिस्तान में तकरीबन तकरीबन भाई 2 रुपये का डिफरेंट है ओपन मार्केट में, दरहम का रेट 2 रुपये तक जायद है रियाल की निस्बत। अभी मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से बात कर लेते हैं। वैसे आज के अगर एक्सचेंज रेट की बात करें, एक्सचेंज रेट में भाई इजाफा देखने को मिला और वो आज का एक्सचेंज रेट है 74 रुपये 29 पैसे। इंडिया भाई 22 रुपये 26 पैसे है। बांग्लादेशी टका 31 टके 15 पैसे हो चुका है, जो कि चंद दिन पहले 28 प्लस में था। तो अभी मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से बात कर लेते हैं। इनमें बैंक जजीरा यानी कि फौरी बैंक भी जिसे बोलते हैं, इनका आज का जो रेट है 73 रुपये 51 पैसे। अभी आप एक चीज़ गौर कीजिए कि 73.5 रुपये रेट इस वक्त फौरी बैंक दे रहा है और पाकिस्तान में ऊपर मार्केट में कितना है 73.60। तो भाई 1 रुपये तक का डिफरेंट जाएगा, यानी कि पाकिस्तान मार्केट में 74 प्लस में रेट जाएगा चंद दिनों में। बहरहाल STCP की अगर बात करें तो इनका आज का रेट 73 रुपये 30 पैसे रहा और 10, 17 एंड 23 रियाल इनकी भी फीस होती है। अगर आप तहवीर राजी यानी कि रांची बैंक से भेजना चाहते हैं तो भाई इनका आज का रेट है 73 रुपये 29 पैसे और 10, 17 एंड 23 रियाल इनकी भी फीस होती है। वेस्टर्न यूनियन की अगर बात कर लें तो वेस्टर्न यूनियन आज का रेट 73 रुपये 47 पैसे, अच्छा रेट दे रहा है वेस्टर्न यूनियन भी, और इनकी भी 10, 17 एंड 23 रियाल फीस होती है। अगर आप मनीग्राम से भाई भेजना चाहते हैं तो मनीग्राम का आज का रेट है 73 रुपये 23 पैसे, 10, 17 और 23 रियाल फीस के साथ। हम अगर बात कर लें भाई क्विक पे की, तो क्विक पे का आज का जो रेट है वो 73 रुपये 46 पैसे है, 10, 17 और 23 रियाल फीस के साथ। अगर आप इंजाज बैंक से भाई भेजना चाहते हैं तो इंजाज बैंक आज का रेट 73 रुपये 33 पैसे दे रहा है, 10, 17 और 23 रियाल फीस होती है जी इनकी भी। अगर हम टैली मनी यानी कि ANB बैंक की बात करें तो इनका आज का रेट 73 रुपये 32 पैसे है और 10, 17 एंड 23 रियाल इनकी भी फीस होती है। अगर आप भाई बैंक फौरी बैंक के थ्रू भेजना चाहते हैं, सॉरी फ्रेंडी के थ्रू, तो फ्रेंडी का आज का रेट है 73 रुपये 25 पैसे, 10, 17 और 23 रियाल फीस के साथ। तमाम परदेसी भाई, वीडियो को लास्ट में आपको बताता चलूँ, अगर आप चंद दिन मजीद वेट कर लेंगे तो आपको रियाल में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। हाँ, पाकिस्तान ओपन मार्केट में जो मेरे भाई छुट्टी जा रहे हैं या पाकिस्तान जा चुके हैं वहाँ पर ज़रूरत के तहत एक्सचेंज करवा लें, बाकी चंद दिन वेट कर लें, आपको इंशाल्लाह ताला ये 74 प्लस में रेट मिलेगा।